प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर मीट में दिए संबोधन में प्रदेश को मात्र झुंझुना थमाकर चले गए, जिससे प्रदेश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और निराशा हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची करके प्रदेश को और कर्ज में डुबोआ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही ये शंका जाहिर कर रही थी कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर गालमेल हो रहा है, जबकि हकीकत में इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि बेहतर होता प्रधानमंत्री हिमाचल के लिए औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रियायतें देते, जिसमें निवेशक यहां आने के लिए आगे आते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण की चाशनी से मात्र सपने बेचकर चले गए और प्रदेश के साथ छलावा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले के दौरों में भी कांगड़ा के मंदिर आदि की बात करके जनता को छलकर चले गए और इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता को मोदी के हिमाचल आगमन से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस छलावे में जनता को जागरूक करेगी और पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के साथ साथ इन्वेस्टर से भी धोखा कर रही है। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय 27वें जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन धूमधाम से हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में जंदड़ू स्कूल के विशाल का प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल सर्वश्रेष्ठ और स्टेट के लिए चुना गया है और विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। बाल विज्ञान सम्मेलन में 92 स्कूल के करीब 420 बाल विज्ञानकों ने हिस्सा लिया। नरेंद्र ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि आज का युग साइंस का युग है और आज के युग का खाना भी साइंटिफिक है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत साइंस के माध्यम से काफी आगे है। जो पहली 5 टॉप कंट्री है उनमें हमारा स्थान है, इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि जो आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वे बहुत ही मेहनती हैं और आने वाला भविष्य इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठाकुर ने बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों को बधाई दी। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने कहा कि जिन बच्चों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनको सम्मानित किया जाएगा और जो बच्चे इस सम्मेलन में चुने जाएंगे वो स्टेट लेवल में 13 से 16 नवंबर तक बिलासपुर में भाग लेंगे। 5 टीमें स्टेट लेवल के लिए चुनी गई हैं। इन 5 टीमों ने जो मेहनत की है इसका श्रेय मैं अध्यापकों और बच्चों को देना चाहता हूं। विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल की भी काफी सराहना की। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा, पूर्व मंडलाध्यक्ष बलदेव दीवान, मंजू ठाकुर, अरुण सहित सभी स्कूलों के अध्यापक तथा छात्र उपस्थित रहे। हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन और पुलिस विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर डीएसपी रेणु शर्मा ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 30 के करीब यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें पीपीए के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर एसएचओ सदर संजीव गौतम, पीपीए प्रधान रमेश, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, महासचिव राजीव पुरी के अलावा प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंदर सिंह, जसवंत सिंह, नेकराम, मुन्ना वर्मा इत्यादि मौजूद रहे। एसएचओ सदर संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस और पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और दोपहर तक काफी लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान होता है, इसलिए सभी को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। पीपीए महासचिव राजीव पुरी ने कहा कि पीपीए के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस पीपीए के अलावा बाहरी लोगों ने भी आकर रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए ताकि समय पर किसी जरूरतमंद की सहायता की जा सके। वही रक्तदान शिविर में 58वीं बार
रक्तदान कर चुके पंकज भारती ने कहा कि सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि रक्तदान करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कई लोग घबराते हैं लेकिन रक्तदान करने से सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि आज 58वीं बार रक्तदान करने के बाद बढ़िया महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार रक्तदान करें ताकि दान किया हुआ रक्त किसी के काम आ सके।